नाजरीन, सऊदी किंग शाह फहद की बेटी की वीडियो वायरल हो गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सऊदी किंग शाह फहद की बेटी ने ऐसी क्या हरकत की और उस शहजादी का ताल्लुक किस खानदान से है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाज़रीन, ये बात तो यकीनन आप जानते ही होंगे कि कब्र में इंसान से सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। इससे नमाज की अहमियत का पता चलता है कि नमाज किसी भी मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हर बालिग मर्द मुसलमान और औरत के लिए दिन में 5 नमाजें अदा करने का हुक्म है, लेकिन हम गाफिल लोग दुनिया के झमेलों में पढ़कर नमाज अदा करना भूल ही जाते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दीन इस्लाम की तबलीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की तबलीग के लिए बहुत से अंबियाए कराम को भेजा। ये सब अंबियाए कराम अल्लाह ताला के अहकामात को खोल खोल कर इंसानों के सामने बयान करते और एक अल्लाह की बंदगी करने का हुक्म देते। अंबियाए कराम बिल्कुल इस अंदाज से तबलीग करते जो दूसरों पर असरअंदाज होती। वो गलत रवैये का जवाब भी खंदा पेशानी और खुश इखलाकी से देते। वो पत्थर के जवाब में किसी को पत्थर ना मारते थे और ना ही किसी को गाली के बदले में गाली देते थे। तमाम अंबिया कराम एहसन अंदाज से तबलीग दीन करते रहे ताकि आम लोग उनसे मुतासर हों और उनकी बात को समझने की कोशिश करें। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज तबलीग सब पर बहुत असरअंदाज होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि आपकी बातों से सामने वाला शख्स उकताहट का शिकार ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर बरसाने वालों को भी माफ़ फरमा देते और दीन हक की तबलीग करते रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर बहुत से गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, ऐ नबी कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है और मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। बसीरत के साथ और मेरे साथी भी शिर्क करने वालों के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। दीन इस्लाम में शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है। दोस्तों, हर दौर में कोई ना कोई ऐसी जमात होती थी जो दीन इस्लाम की तबलीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। मौजूदा दौर में भी ऐसी तंजीमें और लोग होने चाहिए जो किसी लालच के बगैर दीन इस्लाम की तबलीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये नेक काम करेंगे वही कामयाब होंगे। इस आयत कुरानी से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को मुखातिब करके कहा है कि मोमन मुसलमान वो है जो भलाई के कामों का हुक्म दे और बुराई के कामों से रोके। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सबका फर्ज है कि दीन इस्लाम की तबलीग में अहम किरदार अदा करें और आम लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह ताला के हुक्म के ऐन मुताबिक एक सऊदी शहजादी ने तबलीग इस्लाम बहुत खूबसूरत अंदाज से किया है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक सऊदी शहजादी स्याह बुरका पहने खड़ी हैं। इस शहजादी के बारे में बताया जाता है कि ये शाह फहद की बेटी हैं। वीडियो में और भी बहुत सी खवातीन हैं जो स्याह उबाए पहने हुए हैं और शहजादी साहिबा अजान की आवाज़ सुनते ही उठकर खड़ी हो जाती हैं और सबको नमाज अदा करने का हुक्म देती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो सबको नमाज की पाबंदी करने और नमाज को वक्त पर अदा करने की तबलीग कर रही हैं। वीडियो में वो कह रही हैं कि हर काम से ज़्यादा ज़रूरी नमाज को वक्त पर अदा करना है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के बहुत से हुक्मरान मुल्क के अंदर बिद्दत और गैर शरई कामों को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। बिद्दत ऐसे काम को कहा जाता है जो दीन इस्लाम में अपनी तरफ से शामिल किया जाए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी की तरफ से ना किया गया हो।
हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह की बिद्दत से बचने का हुक्म दिया है। नाजरीन, पिछले दिनों एक ऐसा ही वाकया सऊदी अरब में देखने को आया जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खाना काबा में नमाज अदा करने के लिए आए। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने अपने हाथों से खाना काबा की सफाई की और इस दौरान देखा गया कि खाना काबा की दीवार पर एक तख्ती नस्ब है। इस तख्ती पर शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज का नाम दर्ज है। तकरीबन 100 से जायद सऊदी बादशाह गुजर चुके हैं लेकिन आज तक किसी भी शहजादे का नाम खाना काबा की दीवार पर आवेजा नहीं किया गया, मगर इस तख्ती को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि ये बिद्दत है। सऊदी हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इस तख्ती को यहाँ से हटा दे क्योंकि बिद्दत हमारे मजहब में हराम है। ये अल्लाह ताला का घर है, इसमें किसी को भी अपना नाम लिखने, अपने नाम की तख्ती लगाने की इजाज़त नहीं है। इस वाक़े के 2 दिन बाद ही हरम शरीफ में तेज़ तूफान आया। लोग इस तूफान को इसी वाक़े के साथ जोड़ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला के घर में शहजादे ने अपने नाम की तख्ती लगाई है जिसकी वजह से ये तूफान आया है। तूफान की शिद्दत से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ देर गुजरी थी कि बारिश मजीद तेज हो गई। इस तूफानी बारिश को देखकर लोग खौफजदा हो गए और वहां के लोगों का कहना है कि हो सकता है कि ये बारिश अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो कि बिद्दत और बुराई के कामों से बचने की कोशिश करो और अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करो ताकि तुम फलाह पा सको। अगर तुम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर ना चलोगे तो अजाब तुम्हारा मुकद्दर बन सकता है। सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का किला कहा जाता है, इस मुल्क में बहुत से ऐसे रसूम और रवाज परवान चढ़ रहे हैं जो इस्लामी तहजीब और सकाफत के ख़िलाफ़ हैं और मगरबी तहजीब और सकाफत की अक्कासी करते हैं। 31 नवंबर की रात को बरतानिया समेत तमाम मगरबी ममालिक में हेलोइन का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में नौजवान लड़के और लड़कियां अपने चेहरों पर खौफनाक और डरावना मेकअप करने के बाद शहर की सड़कों पर घूमते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि इस साल सऊदी अरब के शहर रियाज में भी ये बेहुदा त्यौहार बहुत जोशो खरोश से मनाया गया है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि इस्लामी मुल्क की नौजवान नस्ल लड़के और लड़कियां अपने चेहरों पर खौफनाक मास्क चढ़ाए जिन्नों और भूतों की शक्लें बनाकर सड़कों पर सरेआम घूम रहे हैं। डरावनी शक्ल वाले मुजस्मे बनाकर सड़कों पर उनकी परेड भी करवाई गई। इन मुजस्मों में चंद मुजस्मे शैतान के भी बनाए गए। अल्लाह पाक की सरजमीन पर शैतानी मुजस्मा बनाना एक शैतानी काम है। ये शैतान का बिछाया हुआ एक जाल है जिसमें वो नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं। हुक्मरानों के बकौल इन मुजस्मों की परेड 17 रोजा तफरीही प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इसका बुनियादी मकसद गैर मुल्की सयाहों को अपने मुल्क में सयाहत की दावत देना है ताकि गैर मुल्की सयाह सऊदी अरब की सयाहत के लिए आते हुए किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। सऊदी अरब का मुस्बत रवैया सारी दुनिया में उजागर करने की जरूरत है, इसलिए इस त्यौहार को मनाया गया। इस त्यौहार को मनाते हुए लड़कियां नीम बरहना लिबास पहने सड़कों पर घूमती हुई देखी जा सकती हैं। ये मनाजर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये मनाजर इस्लामी मुल्क के हैं या किसी मगरब के मुल्क के। लड़कियां नीम बरहना अंदाज में मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए बेहुदा इशारे कर रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अरब हुक्मरानों को सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।